हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फाइनली आपके लिए लेकर के आ चुके हैं रेडमी नोट 12 5G की अनबॉक्सिंग। एंड आज इस स्मार्टफोन की फर्स्ट सेल थी, मैंने इसको फर्स्ट सेल में बाई कर लिया मी स्टोर से। एंड आज की इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, क्या क्या बॉक्स कंटेंट देखने को मिलते हैं, स्मार्टफोन कैसा है, एंड इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 4th Gen 1 का जो नया प्रोसेसर है 5G वो देखने को मिलता है, तो कैसे ये स्मार्टफोन परफॉर्म करेगा सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करना। तो चलिए आप इसको अनबॉक्स करते हैं। कुछ इस तरीके का आपको Redmi Note 12 5G का बॉक्स देखने को मिलेगा। नीचे Redmi Note 12 5G लिखा है, ऊपर आपको नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड, एंड बैक साइड में इस स्मार्टफोन के कुछ आपको हाईलाइटेड फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं इस साइड से भाई। और दो आप लोगों को यहाँ पर सील देखने को मिलेगी, एक को ओपन कर लिया, एंड अब दूसरी को करते हैं। हो जा भाई यार ओपन। तो बॉक्स तो ओपन हो गया, एंड अब इसको बॉक्स को बिल्कुल ढक्कन में से ओपन करते हैं, देखते हैं भाई किस तरीके के आपको अंदर क्या देखने को मिलता है। सबसे ऊपर आप लोगों को Redmi वाई Xiaomi देखने को मिलेगा, एक आपको लिड देखने को मिलती है बॉक्स का, इसके अंदर देखते हैं भाई क्या देखने को मिलता है। ओ भाई ये तो फट गया यार एक साइड से। तो सबसे पहले ऊपर आप लोगों को यहाँ पर जो सिम टूल है वो देखने को मिलता है, नीचे आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेंगे जिनको पढ़ करके आप लोग IIT क्रैक कर सकते हो, एंड नीचे आप लोगों को TPU नॉर्मल सी जो क्वालिटी का सिलिकॉन केस है वो देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का। और नॉर्मल सी क्वालिटी कोई ज़्यादा ही आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलता। नीचे रहा स्मार्टफोन, इसको रखते हैं पहले साइड में, एंड इसके नीचे आप लोगों को चार्जर देखने को मिल जाएगा, और ये चार्जर भाई 33 वॉट का आपको देखने को मिलता है, एंड वही आप लोगों को USB टाइप सी जो माइक्रो USB केबल है वो देखने को मिलती है, लेकिन टाइप सी है, यही आपको बॉक्स कंटेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। आते हैं आप फ़ोन की तरफ। तो ये रहा फ़ोन, इसको रैपर में से बाहर निकालते हैं, और भाई ये जो फीलिंग है आप लोग पहले साउंड सुनो, क्या मजे की साउंड देखने को मिलती है। एंड ये रहा Redmi Note 12 5G, ब्लैक कलर मैंने बाय किया है क्योंकि भाई मुझे यही कलर सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि मैंने ब्लू Realme 10 Pro Plus 5G का लिया था, अब मेरे को ब्लैक ट्राई करना तो मैंने Redmi का ट्राई किया। और मैटी फिनिश में देखने को मिलता है, इसमें आपको ऊपर कैमरा बम्प और कैमरा बम्प भी इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। आप लोग देखिए, कोई भी ऐसा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा कि स्मार्टफोन जो है वो बबल करे यानी कि हिले, जो कि आपको साउंड देखने को मिले, इतना बड़ा कैमरा बम्प देखने को नहीं मिलता। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो टॉप साइड में आप लोगों को हेडफोन जैक देखने को मिलता, काफ़ी अच्छी बात है, AR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएंगे। बॉटम में आप लोगों को सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, USB टाइप सी का पोर्ट, माइक देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर राइट साइड में आप लोगों को पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन देखने को मिलेंगे, इसी के अंदर आप लोगों को जो फिंगरप्रिंट है वो देखने को मिलता है। इसको पावर ऑन करते हैं एंड देखते हैं कौन सा UI देखने को मिलेगा। भाई वाइब्रेशन तो काफी अच्छी थी इसने पावर ऑन के टाइम, बहुत बड़ी वाइब्रेशन जो है वो मुझे फील हुआ। अब इसको ऑन होने देते हैं। फर्स्ट टाइम बूट करने पर MIUI 13 इसमें आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा, बट उससे पहले कवर लगा करके देख लेते हैं कि स्मार्टफोन कैसा देखने को मिलता है। जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स कवर देखने को मिला वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, एंड काफी अच्छी प्रोडक्शन आपको कवर की देखने को मिलती है, एंड नीचे आप लोगों को आपका जो चार्जिंग जैक है इसका प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। जब चार्जिंग के ऊपर ना लगाते हो स्मार्टफोन को, उसको लगा के रखें ताकि आप लोगों की जो धूल मिट्टी कुछ भी है वो आपकी चार्जिंग जैक के अंदर ना जाए। तो प्रोडक्शन काफी अच्छी है, लेकिन जो कवर है उसकी क्वालिटी आपको एवरेज सी मिलेगी। अभी तो आपको ट्रांसपेरेंट मिल रहा है, लेकिन एक महीने एक हफ्ते बाद आप लोगों को इसके ऊपर येलोनेस स्टोन है वो देखने को मिल जाएगी। एंड अब बात की जाए यहाँ पर सिम ट्रे के बारे में कि भाई क्या इसमें आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये रहा सिम ट्रे, खोलते हैं एंड अब देखते हैं भाई इसमें आप लोगों को ड्यूल सिम तो लगा सकते हो, हाइब्रिड सिम का स्लॉट मिलता है, लेकिन अगर आप लोग दो सिम लगाओगे तो आप लोग मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। अगर आप लोग मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हो तो आप लोग इस स्मार्टफोन में एक ही सिम लगा सकते हो। बाकी अब बूट हो चुका है, अब इसको सेटअप करता हूं और देखते हैं भाई सेटअप करने के बाद क्या आपको जो UI है वो स्मूथ मिलता है, कोई बूटवेयर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब बताता हूं। फाइनली स्मार्टफोन को सेटअप कर लिया, एंड फर्स्ट टाइम सेटअप करने के बाद अब बात की जाए कि इसमें बूटवेयर देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो आप लोगों को कुछ यही सिस्टम के एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं, एंड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बात करें तो नेटफ्लिक्स आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा, एंड मोर एप्स में आप लोगों को Amazon, Facebook, Prime Video, LinkedIn, Zili, Spotify, Snapchat एंड बबल शूटर ये गेम्स देखने को मिलती हैं। जिली एंड बबल शूटर एंड लिंक्डइन को देने की कोई जरूरत नहीं थी। बाकी UI आप लोगों को पूरा क्लीन देखने को मिलता है, एंड UI एक्सपीरियंस आपको पूरा MIUI 13 का ही देखने को मिलेगा। AOD का सपोर्ट भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, और अब इसको ऑन करके देखते हैं कि कस्टमाइज AOD है, तो हाँ आपको इसके अंदर कस्टमाइज AOD है उसका सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो UI एक्सपीरियंस काफी स्मूथ मिलता है, एंड बूटवेयर भी बहुत ही कम है। बाकी इस स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच की फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, सेंटर
सेंटर पंच होल के साथ एंड काफी छोटा सा आपको सेंटर पंच होल जो है वो देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो डिस्प्ले काफी स्मूथ है। बाकी डिस्प्ले के कलर सैचुरेशन आपको काफी बढ़िया मिलती है, लेकिन डिस्प्ले के एजेस एंड जो साइड के बेजल्स है वो आपको काफी बड़े देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इनको रियलमी 10 प्रो प्लस 5G से कंपेयर करें तो आपके सामने है रियलमी 10 प्रो प्लस 5G आपको काफी छोटे देखने को मिलते हैं, जबकि रेडमी नोट 12 5G के आपको जो बेजल्स हैं ऊपर के एंड नीचे के वो काफी बड़े देखने को मिलते हैं। बट फिर भी डिस्प्ले एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, डिस्प्ले कलर सैचुरेशन सब कुछ। बात की जाए परफॉर्मेंस के बारे में तो परफॉर्मेंस के लिए Redmi ने इस स्मार्टफोन में Snapdragon 4 Gen 1 की जो न्यू चिपसेट है वो दी है। ये 5G को सपोर्ट करते हैं, यानी कि इस स्मार्टफोन में आप लोग 5G चला सकते हो। और जब मेरे एरिया में आएगा मैं डेफिनेटली आपको ट्राई करके बताऊंगा, अभी तो मेरे एरिया में नहीं आया। एंड परफॉर्मेंस भी आप लोगों को इस चिपसेट्स की एवरेज ही देखने को मिलेगी, 3 लाख के आसपास आपको इसके अंततः स्कोर देखने को मिलते हैं। आपकी जो भी डेली टास्क है अच्छे से नॉर्मल तरीके से उनको हैंडल कर लेगा। कि हाई एंड गेम्स का सपोर्ट भी आपको इस चिपसेट में देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल आपकी जो भी गेम्स हैं नॉर्मल BGMI ग्राफिक्स हैं उनके ऊपर आप लोग गेम प्ले कर सकते हो। 60fps का सपोर्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी पूरी बॉडी आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलेगी, साइड के बेजल्स भी आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलते हैं। रेडमी ने कोई हल्का फुल्का प्लास्टिक यूज नहीं किया है, काफी प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया है, मैटी फिनिश के साथ देखने को मिलता है, तो हाथ में होल्ड करने पर स्मार्टफोन काफी प्रीमियम फील होगा। लेकिन अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पर आप लोगों को इसके ऊपर फिंगरप्रिंट स्मजेस देखने को मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी यहां पर ऐड हो रहे हैं। जस्ट मैंने अभी स्मार्टफोन को वीडियो शूट करते टाइम के लिए होल्ड किया तो आप लोग देखिए यहां पर अगर आपको देखने को मिल रहा हो तो फिंगरप्रिंट स्मजेस आपको इसके ऊपर देखने को मिल रहे हो। लेकिन स्मार्टफोन काफी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि भाई बेंड हो जा रहा है, स्मार्टफोन काफी मजबूत है, काफी प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल जो है वो Redmi ने यूज किया है। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा, मेन कैमरा 48MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का आपको माइक्रो देखने को मिलता है। एंड फ्रंट में आपको 13MP की सेल्फी मिलेगी। कैमरा एप्लीकेशन का UI कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, वही डिफॉल्ट। और काफी सारे रियलमी ने यहां पर फंक्शन भी ऐड किया है जिनको आप लोग यूज कर सकते हो, तो ऐसा कोई मेजर इंप्रूवमेंट आपको कैमरा में देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मली पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। बाकी इसका कैमरा रिव्यू भी आएगा, फीचर्स भी आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, अभी अगर सब कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये थी Redmi Note 12 5G की अनबॉक्सिंग, मैंने ब्लैक कलर में बाय किया है। अगर आपने भी स्मार्टफोन को बाय किया है कौन से कलर में ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब मेन बात आती है प्राइसिंग की, भाई मैंने स्मार्टफोन को ऑफलाइन में बाय किया है और ऑफलाइन में कोई भी डिस्काउंट का कार्ड का डिस्काउंट मुझे देखने को नहीं मिला और ना ही कोई स्टोर का डिस्काउंट। अब इसके ओरिजिनल बिल की बात करूं तो भाई ये रहा इसका ओरिजिनल बिल, मैं आपको बिल बता देता हूं। मुझे स्मार्टफोन पड़ा था 15,254 रुपये में और बाकी CGST पड़ा 1,373 रुपये एंड SGST पड़ा 1,373 रुपये, तो 18,000 में मुझे पूरा का पूरा ये फ़ोन पड़ा। अब आप लोग मुझे बताओ कि 18,000 रुपये इस स्मार्टफोन के ऊपर खर्च करना वर्थ था कि नहीं था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी जल्दी इसकी और वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लो।